हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज हम लोग आपके लिए एक और वीडियो लेके आए जिसमें हम लोग प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बात करने वाले। और आप लोग के लिए गुड न्यूज है कि इन्फोसिस जो है हायर कर रही है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर रोल के लिए। और हमेशा हम लोग बोलते ना, कह रहे इन्फोसिस तो कम पैकेज देते हैं, 3.5, ऐसा बहुत उनका मीम वगैरह भी बनाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। बट इस बार वो लोग स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए आ रहे हैं और जिनका पैकेज जो है 9.5 LPA है। लेकिन ओवरऑल इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होगा, किस टाइप के राउंड कंडक्ट किए जाएंगे, इसके अलावा इंटरव्यू कैसे होंगे, कितने क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, कितने इंटरव्यूज होंगे, फिर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइड कर देगा अगर आप लोग इन्फोसिस का स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। और ये सारे इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ कि जो भी वहां पे प्लेस्ड है उनसे पूछता हूँ, रिव्यूज लेता हूँ कि लाइक उनको क्या क्या पूछा गया था, ये सारी चीजें। इसके अलावा मैं अलग अलग वेबसाइट पे से इंटरव्यू एक्सपीरियंस से सारी चीजें देख के आता हूँ। अभी मैं दो इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो रिसेंटली मैंने देखा था, लास्ट ईयर वो लोग प्लेस हुए थे ये कुछ मंथ पहले ही, तो उनका मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग भी एक बार उसको देख लेना, तो आपको एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या वो पूछते हैं और क्या क्या आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो रोल जो है इसका स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का है, जो कि मैंने आपको अभी बताया भी था। और इसके अलावा जो है इनका पैकेज 9.5 का है। और इनके जो इंटरव्यूज होते हैं ना, डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे मीम वगैरह या फिर लोगों से सुना भी होगा कि इन्फोसिस का जो इंटरव्यू का लेवल होता है ना, गूगल के लेवल का होता है और पैकेज 9.5 का है ऐसा। तो ये लेकिन होता है, अगर आपको क्रैक करना है तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और क्या है ना, जो इन्फोसिस पर आ रहा है ना तो वो सेलेक्टेड कॉलेज के लिए आता है। लाइक ये ऑन कैंपस होने वाला है, कोई ऑफ कैंपस स्कूल ड्राइव नहीं होने वाला है। तो आप लोग के लिए बेस्ट पार्ट क्या है कि जो आपका कॉम्पिटिशन है ना, सिर्फ आपके कॉलेज में जो भी रहेंगे ना उनसे ही है। तो पूल ड्राइव में आपका ओवरऑल, अगर मुंबई पूल ड्राइव उन्होंने कंडक्ट कर लिया तो पूरे मुंबई में आपका कॉम्पिटिशन है। अगर ऑल ओवरऑल इंडिया की या TCS के साथ हो तो और भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इसलिए आप लोग के लिए बहुत अच्छा है कि वो ऑन कैंपस आ रहा है। अभी हम लोग बात करें कि इसमें नंबर ऑफ राउंड कितने होते हैं। तो बेसिकली दो राउंड होते हैं, एक तो पहला आपका टेस्ट होता है ऑनलाइन असेसमेंट और दूसरा इंटरव्यू, इतने ही होते हैं। और बट ये क्रैक करना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन असेसमेंट का, तो ये आपका कोडिंग राउंड होता है जहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए होते हैं, 3 क्वेश्चंस, और आपको टाइम जो अलॉट होता है वो 3 आवर्स रहते हैं। लेकिन बहुत बार लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो 3 घंटे है ना वो भी कम पड़ते हैं लाइक 3 क्वेश्चन करने के लिए। और ये कोई ऐसे छोटे मोटे DSA क्वेश्चन नहीं होंगे कि आपने ChatGPT किया, वहां से आपको आंसर मिल गया और आपने डाल दिया, गूगल सर्च किया वहां से कोड मिला उधर लिख दिया, ऐसा आपका नहीं होने वाला है। ऑनलाइन असेसमेंट वो लोग का बहुत ही टफ होता है और वो क्वेश्चंस को अगर आप लोगों को DSA अच्छे से आता होगा तभी आप लोग वो कर पाओगे। क्योंकि आप लोगों ने अगर किसी को भी पूछोगे ना जिन्होंने वो टेस्ट दिया है, तो वो यही बोलेंगे कि 3 घंटे बहुत कम है इन 3 क्वेश्चन के लिए। तो हम लोग एक एक करके तीनों क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि लाइक उसमें आपको क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करना है। और जिसमें जो है ना, पहला क्वेश्चन है ना वो इजी टू मीडियम लेवल होगा। ये इजी टू एक्चुअली में इजी नहीं है, बट अगर आप लोग बाकी के 2 क्वेश्चन देखोगे ना तो ये आपको इजी लगेगा। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एरे हो गया, फंक्शंस हो गए, रिकर्जन हो गए, DSA इन डेप्थ हो गया, इसके अलावा आपका ऊप्स के कॉन्सेप्ट, STL फ्रेमवर्क, नेस्टेड लूप, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे डाला भी, तो उसका आप लोग नोट बना लेना। फिर इसका जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो बेसिकली मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है। और इसमें बहुत बार जितने भी पेपर्स हुए ना लाइक पास्ट ईयर्स में, तो हर बार जो है ना ग्रेडिंग अप्रोच यूज करने के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें अगर हम लोग टॉपिक बात करें तो DSA आपको हो सकता है डेप्थ में, रिकर्जन, 2D मैट्रिक्स के ऊपर आपको इसमें क्वेश्चन आ सकता है, और ग्रेडी एल्गोरिथम जो जैसे मैंने आपको बताया, तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, जिसमें बेसिकली DP डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं ये लोग, और उसमें आपको बैक ट्रैकिंग, बेस्ट जो भी क्वेश्चन आप लोग करोगे ना वो बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर आपको करना है। तो ये 3 क्वेश्चन होते हैं ऑनलाइन असेसमेंट में। और जो भी पिछले कुछ सालों का एक्सपीरियंस रहा है ना, तो जिसने भी 2 क्वेश्चन किया ना, 2 क्वेश्चन या 2.5 क्वेश्चन किया है ना, तो उनका सिलेक्शन हो गया है नेक्स्ट राउंड के लिए। तो आप लोग याद रखो कि आप अगर आपका 3 क्वेश्चन नहीं भी होता है तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो कम से कम आप करके आओ, ताकि आपका नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो सके और आप इंटरव्यू दे सके। तो इस तरीके से इनका ऑनलाइन असेसमेंट राउंड होता है। अभी हम लोग इनका इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं। लाइक जब आप लोग एक बार सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तो वहां पे अगर आप लोग जाओगे तो इनका इंटरव्यू भी बहुत लंबा चलता है, एकदम डिटेल में आपको हर चीजें पूछी जाती है। सबसे पहला तो आपको रेज्यूमे, उसमें आपने जो कुछ भी डाला है, ईच एंड एवरीथिंग, इवन वो फुल स्टॉप, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे उसका तो फुल स्टॉप भी पूछा मेरे से,
उतना तक नहीं छोड़ा, इतना ज्यादा वो डेप्थ में जाते रेज्यूमे के। आपने वहां पे जो कुछ भी डाला है, छोटा से छोटा स्किल्स भी क्यों ना डाला है, कोई सर्टिफिकेशन आपने किया है, सर्टिफिकेशन आपने किया है वो डाला है, या फिर कहीं पे आपने इंटर्नशिप किया है वो डाला है, तो वो सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग ये नहीं कर सकते कि अरे फेक सर्टिफिकेट बनवा लिया इंटर्नशिप का और यहाँ पे डाल दे, वो आपका यहाँ नहीं चलेगा। इसलिए आपको जितनी चीजें पता होंगी उसी चीज को वहां पे मेंशन करना रेज्यूमे में, अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं, और फिर उसका पूरा प्रिपेयर करके जाना। इसके बाद डीएसए दे, और डीएसए बहुत ही हाई लेवल का पूछा जाता है, लाइक किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है उस समय बता दूंगा अभी, लेकिन याद रखो कि ये बहुत ही टफ इंटरव्यू होने वाला है, और मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको वार्न कर रहा हूँ ताकि आप लोग उसके लिए प्रिपेयर कर सको। इसके अलावा जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर कोई भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उप्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, फिर इसके अलावा आपको जो हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि डीबीएमएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, एसक्यूएल की क्वेरी लिखने के लिए, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट होगा, तो प्रोजेक्ट पे भी आपको बहुत ही डेप्थ में डिस्कशन होगा, लाइक उसमें आपकी जो भी पर्सनैलिटीज होंगे तो सारी चीजें आपको करने के लिए बोल जाता है। और हाँ, एक चीज और जो मैंने बहुत सारे रिव्यूज में पढ़ा भी है कि वो लोग बोलते हैं कि वो ना आपको डीएसए जब पूछेंगे ना, तो बहुत जगह क्या होता है ना, सिर्फ सूडो कोड लिखने बोलते हैं, लेकिन इन्फोसिस के इंटरव्यू में ऐसा होता है कि वो आपको बोलेंगे कि कोड करके दिखा, और वहां पे आपको कोड करके आउटपुट लेके आना है, तो इस लेवल पे वो लोग जाते हैं। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो जो भी मैंने बताया है। अब इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, सबसे पहला स्ट्राइवर सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो भाई स्ट्राइवर को जान लो, उसके बिना तुम्हारे कुछ नहीं होने वाला। उसका जो डीएसए सीट है ना वो पूरा कवर कर दो, अगर कोई वो पूरा कवर कर लेता है तो आई थिंक उसके लिए इनफ होगा। अगर जो भी उसका जो 198 ऐसा कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है, उतना भी अगर तुम लोगों ने कर लिया ना तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और स्ट्राइवर का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, उसने हर चीज को शॉर्टलिस्ट करके दे दिया, अगर आप लोग उसके वेबसाइट पे जाओगे तो देखो हम लोग भी वहीं से प्रिपेयर करते थे। इसके अलावा वो हो गया, रेज्यूमे अच्छे से बनाओ, उसमें जो भी स्किल्स तुमको आता है उसको अच्छे से मेंशन करो, जो भी तुमने प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें अच्छे से पर्सनैलिटी डालो, और वो सब तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना प्रोडक्ट तुमने कितना भी अच्छा बनाया हो लेकिन जब तक उसको बेचने तुम लोग को नहीं आएगा ना तो फिर उसका कोई वैलिड नहीं है उतना अच्छे प्रोडक्ट का भी। तो इसलिए जो भी स्किल्स तुम्हारे पास है तो उसको बेचना सीखो, लाइक बेसिकली अच्छे से प्रेजेंट करना सीखो कि हाँ मुझे ये आता है और ये मुझे डिजर्व करता हो तो आपको मुझे ये पे करना है इसके लिए, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग जो कोर सब्जेक्ट मैंने बताया वो सब करके जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ, एसक्यूएल की क्वेरी प्रैक्टिस करके जाओ, टॉप लेवल के भी करके जाओ, वो भी वो लोग पूछ सकते हैं। और एक चीज और जो बहुत लोग मिस करते हैं लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है मॉक इंटरव्यू। आप लोग मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आएगा, क्योंकि ऐसे हम लोग अगर समझो कोई क्वेश्चन है उसको हम लोग देख के लीड कोड पे कोड कर रहे हैं और हम लोग को वो इजिली आ जाता है, लेकिन वही अगर आपको इंटरव्यूअर के सामने करना है और उसके और उस समय हम लोग बहुत पैनिक हो रहे होते हैं कि अरे कोर्ट रन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट दोगे आप लोग तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस रहेगा। इसके अलावा जब वो लोग कॉलेज में विजिट करेंगे तो उनका लिंक वगैरह आया रहेगा तो उसमें तुम लोग को सैंपल पेपर भी दिख जाएगा। हाँ, सैंपल पेपर में क्या है ना कि वो जो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि वो सैंपल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है वही के वही पूछ देंगे, उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक जो मिस्टेक आप लोग को नहीं करना है कि आप लोग ना ये मत करना कि डायरेक्टली डीएसए करना है स्टार्ट कर दिया, लाइक जो सैंपल पीवाईक्यू करना है स्टार्ट कर दिया, वो मत करो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो ही तुमसे क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ ऐसा करोगे तो फिर नहीं होने वाला, तो कॉन्सेप्ट समझो। और जो पहले से डीएसए वगैरह करते आ रहे और अच्छे कोडर है तो उनको तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो उनको सिर्फ अपने स्किल्स को प्रूफ करना है। तो आई होप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ होगा इन्फोसिस को क्रैक करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।